नमस्कार, मैं मंजू मिश्रा। मंजू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं केला का भुंजिया बनाने जा रही हूँ। इसके लिए केला को लेकर के पहले केला का ऊपर का छिलका को छील लिए। छीलने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लिए और धो करके इस तरह से इसे हम गोल गोल पीस में काट लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में लगभग एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा को डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा। अब इसमें हम केला को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को लो करके केला को एक दो मिनट तक इसी तरह से भून लेते हैं। केला हल्का भुना गया है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्चा पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम जीरा पाउडर और साथ में इसमें हम नमक भी डालते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। हम इसमें नमक लगभग आधा छोटा चम्मच डाल दिए और इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से केला का भुजिया बना रही हूँ। अब गैस का फ्लेम को लो करके इसे हम दो तीन मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं, फिर इसे हम चलाएंगे। दो तीन मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। केला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर को डाल देते हैं, जिससे थोड़ा चटपटा हो जाए। अमचूर पाउडर के जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद एक दो मिनट के लिए और ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग एक दो मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। केला का भुंजिया अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती को डाल देते हैं और गैस को ऑफ करके इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।